आज हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन और डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती किसी एक्टिव कंपाउंड से, ऐसे एरोमेटिक एक्टिव कंपाउंड से लाइक फिनॉल है, एनिलीन है, नेप्थॉल है, बीटा नेप्थॉल है। तो इन कंपाउंड से कराने के बाद एक कंपाउंड जो है ज्वाइंट होकर एक कलर्ड डाई का फॉर्मेशन करता है, कलर्ड डाई वाले कंपाउंड बनाता है, तो उसी को बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। पहले देखें कि इसमें जैसे बेंजीन और डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सपोज फिनॉल से कराते हैं, तो फिनॉल में देखा होगा इसके पास ऑक्सीजन होता है, या एनिलीन से कराते हैं इसके पास नाइट्रोजन होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या, जब बेंजीन से लग जाते हैं तो ये बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। जब ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का ये बेंजीन और N2+ यानी इतना पार्ट, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल इतना N2+ वाला पार्ट अटैक करता है। पैरा पर ही क्यों करता है, क्योंकि पैरा जो होता है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है, तो लेस हिंडर्ड होने की वजह से इसका N2, तो एक H से ये Cl निकल के और ये बन जाएगा बेंजीन और N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन और OH, यानी ये एक ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है फिनॉल से। ऐसी रिएक्शन को ही कपलिंग रिएक्शन, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ये दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं, तो कपल एक कपल हो जाता है इसमें, इस वजह से इसे कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को हम कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, तो इसी को हम, ये नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हो गई, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन, या डाई एजो कपलिंग रिएक्शन भी, क्योंकि डायजो मीन्स होता है नाइट्रोजन से कपल हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। हम इसकी जगह पे फिनॉल की जगह पे एनिलीन भी ले सकते हैं, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, जिससे ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है ये इसके पैरा पोजिशन पे, चूंकि वो लेस हिंडर्ड होता है, इससे अटैक करेगा और एस से सीएल निकल के और ये येलो कलर की डाई बन जाती है, यानी कलर्ड डाई। कपलिंग रिएक्शन में हमेशा कलर्ड डाई बनती है, तो ये मेन पॉइंट याद रखना है कि फिनॉल से ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, एनिलीन से येलो कलर की डाई बनती है। अगर हम यहां नेप्थॉल ले लेते हैं, बीटा नेप्थॉल, बीटा में ये पोजिशन एल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे ये नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन में OH ऑल लग गया, तो नेप्थॉल, ये एल्फा ये बीटा, तो ध्यान रखना है इसकी एल्फा पोजिशन पर एच का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है सीएल इधर से और एक रेड कलर की डाई बन जाती है। तो इस रिएक्शन का हम एजो डाई टेस्ट में भी यूज करते हैं, ये पता लगाने के लिए, एजो डाई टेस्ट में प्राइमरी एमीन में, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन में हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन सब कपलिंग रिएक्शन कहलाती है, और कपलिंग रिएक्शन में हमेशा एजो डाई। अब एक पॉइंट इसमें और याद रखना है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो ये न्यूट्रल नेचर का होता है, सॉल्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, फिनॉल एसिडिक है तो मीडियम बेसिक चाहिए, एनिलीन बेसिक नेचर का होता तो मीडियम एसिडिक चाहिए, तो हमने पीएच 9 to 10 रख दिया, 11 भी कर सकते, इसका मतलब ये है कि हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं, यहां पे 7 से कम करेंगे यानी पीएच को, तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो कपलिंग रिएक्शन में याद रखनी है, तो इसमें लिखा है व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल एनिलीन और बीटा नेप्टॉल टू फॉर्म अ कलर्ड एजो डाई, और इसमें पीएच को भी मेंटेन करके चलना है, कलर्ड एजो डाई बनने को ही हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो फिनॉल की, चाहे एनिलीन की, चाहे बीटा नेप्थॉल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, तो फिनॉल की पैरा पोजिशन की एच जिसके सीएल से करके और जोड़ के लिख देना है, और इसकी भी पैरा पोजिशन की एच निकल के, तो ये फिनॉल से बनेगी ऑरेंज कलर की डाई, एनिलीन से बनती है येलो कलर की डाई, बेंजीन बीटा नेप्थॉल से बनती है रेड कलर की डाई। इसी रिएक्शन का नाम होता है कपलिंग रिएक्शन। चाहो तो अगर कपलिंग रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसमें बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो इसमें डीसीपी याद रख लो, डी मीन्स डायजोनियम, सी मीन्स क्लोराइड, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, पी मीन्स फिनॉल से रिएक्शन करा दो, पैरा पोजिशन पर रिएक्शन होगी तो एक ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है, उसी को बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।